अगर इस कार को देखा जाए तो वो करें, ये किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गई है और लकीली ये स्ट्रेट पाथ में ही गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका पाथ ऑफ मोशन है वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये डिस्प्लेसमेंट इसने कितने टाइम में कवर किया है, या इस डिस्प्लेसमेंट के साथ हम टाइम को भी रिलेट करना शुरू कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तल्हा उबैद, और आज हमने चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक तो है वेलोसिटी, जो मैं अभी आपको करवाने लगा हूं, और कुछ देर बाद मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी के बारे में स्कूल क्लासेस में आपने बड़े अच्छे से रट्टा लगाया हुआ है इसकी एक डेफिनेशन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल यही आपने याद की हुई है डेफिनेशन। हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, और उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने दो पॉइंट्स लिए थे, एक था इनिशियल पॉइंट ए, दूसरा था फाइनल पॉइंट बी, और हमने फर्ज किया था कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है, बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं, उस एग्जाम्पल में आप थे जो घर से कॉलेज की तरफ जा रहे थे। अब देखें, इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कोई नाम दे दूं, हमने पहले इसको स्मॉल डी से जाहिर किया था, अब फर्ज कर लें मैं इसे डेल्टा डी से जाहिर करता हूं। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे मैंने डेल्टा डी से क्यों जाहिर किया है, डेल्टा का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसी तरह पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर R1 था, पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर R2 था। इस पोजिशन वैक्टर का अभी की डिस्कशन में कोई खास रोल नहीं है, मैं जस्ट डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूं। डेल्टा डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ए से बी तक। इसी तरह फर्ज करने ये डिस्प्लेसमेंट कवर होने में जो टाइम लगा वो था डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक कितनी तेजी से जा रहा था, यानी इसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को बड़े ही आसान अंदाज में हम एक छोटे से फॉर्मूला की शक्ल में लिख सकते हैं, और वो क्या है वेलोसिटी, अभी मैं फिलहाल वर्ड्स में आपको लिखवाता हूँ, फिर एवरेज वेलोसिटी का जब मैं बताऊंगा फिर मैं सिंबॉलिकली आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ इतना लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैं बात करने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन ऐसा करते हैं उससे पहले हम वेलोसिटी के यूनिट वगैरह को जल्दी जल्दी डिस्क्राइब करके जान छुड़ा लेते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला के मुताबिक वेलोसिटी के यूनिट की बात करें तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आएगा यानी मीटर, और नीचे टाइम का यूनिट आएगा यानी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी डायमेंशंस होंगी ऊपर एल यानी लेंथ की डायमेंशन, और नीचे टी यानी टाइम की डायमेंशन, तो बन जाएगा एल टी इनवर्स। इसी तरह वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब मैं क्विकली जाने लगा हूं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए पहले चले मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी जितना भी टोटल टाइम लगा पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, उन दोनों की रेशो को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी, मैं नीचे आपको फॉर्मूला की शक्ल में भी लिखवा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी यानी वी एवरेज, नीचे छोटा सा ए वी ई लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और जैसे अभी डायग्राम में मैंने आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से जाहिर करके बताया था डेल्टा डी के साथ, तो ऊपर मैंने डेल्टा डी लिख दिया और नीचे डेल्टा टी लिख दिया। अब ये जो डेल्टा है ना, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, और मोस्टली डेल्टा उस जगह पे यूज किया जाता है जिसमें तब्दीली आ रही हो मुसलसल,
यानी फर्ज कर ले इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ आया है और ये मुसलसल मूव कर रहा है, यानी इसके डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही है मुसलसल, यानी डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, मुसलसल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है, अभी इतना आप समझ लें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को ज़्यादा अच्छा डिस्कस करने के लिए हम ऐसा करते हैं, गूगल मैप की तरफ चलते हैं। फर्ज कर लें यहाँ पर कुछ एरियाज को मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ। फर्ज करें कि आप गुजरांवाला से लाहौर तक जाते हैं और फिर आप जाते हैं जनाब लाहौर से मुल्तान की तरफ, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, जब आप गुजरांवाला से लाहौर की तरफ आएंगे, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ आप इस वक्त जा रहे हैं। अब आप गौर करें, गुजरांवाला से लाहौर तक सीधी रोड तो नहीं है, मुसलसल टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, यानी पाथ लेंथ जो है वो कर्व्ड है। तो आप कर्व्ड पाथ कवर करके मुख्तलिफ टर्न्स ले लेके आप लाहौर तक जाएंगे, और इवन लाहौर से मुल्तान तक जाते हुए भी आपको काफ़ी सारे टर्न्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपको काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा पाथ कवर करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुजरांवाला से मुल्तान तक आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसका क्या तरीका होगा? एक बड़ा ही आसान तरीका है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक सीधा एक वेक्टर ड्रॉ करें, यही है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा गुजरांवाला से लेकर मुल्तान तक, सीधा एक वेक्टर ड्रॉ करें और इसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और आप गौर करें इस वेक्टर का हेड किस तरफ है, इसका हेड है मुल्तान की तरफ, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा टी। अब फर्ज कर लें आपको ये सारा सफ़र तय करने में टोटल टाइम लगा है, इमेजिन करें आपको ये टोटल टाइम लगा है 10 घंटे, 10 hours। अब इन 10 hours को चाहे सेकंड में कन्वर्ट करें, जैसे भी कन्वर्ट करें, ये टोटल टाइम है जो इस पूरे सफ़र का लगा है। तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को इस टोटल टाइम से डिवाइड कर लेना है। 10 घंटों के टाइम को मैंने डेल्टा टी से जाहिर कर दिया और टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा डी से जाहिर कर दिया, इसी रेशो को बोलेंगे टू एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, पता तो हमें चल गई, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हाइड रखती है, हिडन रखती है। फॉर एग्जाम्पल आप जब गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मोड़ अहमदाबाद आया था, रास्ते में कामों के आया था, रास्ते में मुरीद के आया था। इन सिटीज़ के अंदर से गुजरते हुए आपने गाड़ी को ज़रूर स्लो किया होगा, कई जगहों पर आपको ब्रेक लगानी पड़ी होगी, कई जगहों पर आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ी होगी, कई जगहों पर तेज़ करनी पड़ी होगी, ठीक है। किसी जगह आपके रास्ते में कोई भैंस आ गई होगी, आपको सडन ब्रेक लगानी पड़ी, तो इस तरह के काफ़ी सारे इवेंट्स हुए होंगे। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी आपकी गाड़ी की पूरी मोशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये सिर्फ एक आंसर बताती है कि भाई एवरेज वेलोसिटी ये थी, मुझे नहीं पता कि रास्ते में क्या क्या कुछ हुआ। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है, फर्ज कर लें सामने एक वॉल है, मैं इस वॉल को वॉल की तरफ फेंकता हूं, ये वॉल की तरफ जाता है, जाते हुए ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वॉल से टकरा कर ये बॉल वापस मेरे हैंड पे आता है, तो जब ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल पॉइंट भी वही है जो इनिशियल पॉइंट था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अब आप गौर करें इस पूरी मोशन में जिसमें बॉल दीवार तक गया और वापस मेरे हाथ तक आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो तो हो गई है, लेकिन क्या बॉडी ने मूव नहीं था किया, बॉडी मूव तो बिल्कुल कर रहा था। इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी हमें कुछ डाउट्स हमारे जेहन में रख रही है,
हालांकि बॉडी मूव कर रहा था, लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी का आंसर जीरो आ जाएगा तो आपके माइंड में आएगा कि हो सकता है बॉडी ने मूव ही ना किया हो, या हो सकता है मूव करके वापस उस जगह आ गया हो। और इवन आपको ये भी समझ नहीं आएगी कि ये दीवार से टकरा के जब आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी कैसी थी, जा रहा था तो वेलोसिटी कैसी थी। आपको सिर्फ ये पता चल गया कि टोटल एवरेज वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अगेन हम इसी रिजल्ट पे पहुंचे कि एवरेज वेलोसिटी हमें बॉडी की मोशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती कि रास्ते में क्या कुछ हुआ। इसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस, इसके नाम से ही समझ आ रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके नाम की अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जैसे अब दोबारा मैं गूगल की एग्जांपल लेता हूं, या गूगल की एग्जांपल की बजाय हम सीधा जरा आसान कर लेते हैं, हम इसको टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही समझ लेते हैं। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये डायग्राम बनवाई थी जिसमें एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था। अब ये जो इनिशियल पॉइंट है, आप इमेजिन करें कि ये आपके घर के बाहर रोड जो है वहां से जब गाड़ी गुजरेगी तो वो इनिशियल पॉइंट होगा ए। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट आपके घर से आगे कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो घर के आगे रोड का एंड हो सकता है, रोड का टर्न हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब जरा इमेजिन करिएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। अब पीछे से जनाब गाड़ी आ रही है, पॉइंट ए से भी पीछे से, सही है, पॉइंट ए से भी पीछे से गाड़ी आई, और जब टाइम टी हो गया तो ये गाड़ी पॉइंट ए पर पहुंच चुकी थी। क्लियर? किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। आपको मैं गाड़ी भी दिखा देता हूं, आ ये पीछे से रही थी, पॉइंट ए से भी पीछे से कहीं से आ रही थी, लेकिन टी टाइम पे, यानी आपके सामने क्लॉक भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट कर लें इस वक्त 11 बज रहे हैं, इस वक्त जो भी टाइम है इसे मैं टी से जाहिर कर रहा हूं, यानी टी टाइम पे ये गाड़ी कहां मौजूद थी? पॉइंट ए पे मौजूद थी। अब सारी बात, गाड़ी ने रुकना तो नहीं है, ये गाड़ी तो आगे जाती जा रही है, इसने ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाते जाते जब ये पॉइंट बी तक पहुंची तो मजीद कुछ टाइम गुजर गया, और उसे मैं डेल्टा टी से जाहिर कर रहा हूं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आते हुए जो टाइम कवर हुआ, दिस इज डेल्टा टी। फर्ज कर लें ए से बी तक आने में उसको लेट सपोज एक मिनट लगा है, तो पहले क्या टाइम हो रहा था? 11 बज रहे थे, अब क्या टाइम हो रहा है? 11 बज के एक मिनट। तो ये जो एक मिनट है इसे मैं बोलूंगा टाइम इंटरवल, या इसे मैं डेल्टा टी से जाहिर करूंगा। और पॉइंट ए पर जो टाइम था वो टी था, तो अब पॉइंट बी पर टोटल टाइम क्या हो गया? टी प्लस डेल्टा टी। ये भी बात जहन में रखिएगा। और ए से बी तक आते हुए इस गाड़ी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल्टा डी से हमने जाहिर किया हुआ है। अब जहां तक बात है एवरेज वेलोसिटी की, वो तो अगेन वही वाली केस, वही वाली सारी सिचुएशन है कि इस डेल्टा डी को टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ जाता है। लेकिन फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि बस या गाड़ी जब आपके घर के सामने से गुजर रही थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, आपके घर के बाहर से जब वो गुजर रही थी। फर्ज कर लें आपके घर के बाहर का जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यानी इस एग्जाम्पल में हमें पॉइंट ए से गुजरते हुए गाड़ी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? बड़ा आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। आप ऐसा करें कि पहले हम वेट कर रहे थे ए से बी तक जाने में, पूरे एक मिनट का वेट कर रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि जो टाइम इंटरवल है यानी एक मिनट, यानी डेल्टा टी का जो टाइम इंटरवल है इसको छोटा करते जाएं, इसको छोटा करते जाएं। जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटा करता जाऊंगा तो पॉइंट बी जो है ये पॉइंट ए के करीब आता जाएगा।
क्योंकि फाइनल पॉइंट करीब हो जाएगा, 1 मिनट में तो वो काफी दूर जा चुकी हुई होगी ना बस। लेकिन अगर मैं आधे मिनट की बात करूं तो बस अभी थोड़ा पीछे होगी, अगर उससे भी आधे मिनट की बात करूं यानी 15 सेकंड की बात करूं बस मजीद पीछे होगी, अगर मैं 5 सेकंड की बात करूं तो बस यानी पॉइंट बी पॉइंट ए के ज्यादा करीब आ चुका होगा। तो जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी को छोटा करता जाऊंगा, पॉइंट बी पॉइंट ए के करीब आता जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, जैसे शुरू से मैं पाथ ऑफ मोशन को कर्व्ड लाइन इमेजिन कर रहा हूं, यहां भी पाथ ऑफ मोशन यानी बस का जो पाथ था वो ए से बी तक आने में कर्व्ड ही था, और जैसे जैसे मैं बस के फाइनल पॉइंट को पीछे लाता जा रहा हूं तो जरा गौर करें पॉइंट बी भी इस कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव करता करता पीछे आ रहा है, और वैसे वैसे पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर भी पीछे आता जा रहा है, और वैसे वैसे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसे हमने डेल्टा डी से जाहिर किया था ये भी पीछे आता जा रहा है और छोटा भी होता जा रहा है। और जरा गौर करें इसकी डायरेक्शंस भी कुछ खास अंदाज में चेंज हो रही हैं। और जब मैं डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दूंगा, 1 सेकंड कर दूं, 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा कर दूं, इतना छोटा कर दूं, बिल्कुल जीरो नहीं करना लेकिन जीरो को अप्रोच करवा देना, यानी फर्ज कर लें डेल्टा टी टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, ये जो एरो मैंने लगाया हुआ है डेल्टा टी के आगे, इसका मतलब होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं अप्रोचेस टू जीरो, यानी ये जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के करीब करीब है। तो जब ये जीरो के करीब करीब होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है जिसे हमने डेल्टा डी से जाहिर किया हुआ है वो भी छोटा होते होते जीरो को अप्रोच कर जाएगा। लेकिन एक और बात जहन में रखें कि अब ये दोनों जीरो को अप्रोच तो कर रहे हैं, यानी काफी स्मॉल वैल्यूज हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनकी रेशो का आंसर हमेशा स्मॉल ही आएगा। इनकी रेशो का आंसर जरूरी नहीं है कि स्मॉल ही है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब जरा गौर करें, सामने देखें, मैं एक छोटे से बॉक्स में आपको ये एग्जांपल समझा देता हूं। एक नंबर इमेजिन करें पॉइंट वन, काफी छोटा नंबर है यानी 1/10 हिस्सा, और एक दूसरा नंबर इमेजिन करें पॉइंट फाइव। ऐसा करें, पॉइंट फाइव भी काफी छोटा नंबर है, पॉइंट वन भी छोटा नंबर है, पॉइंट फाइव को ऊपर लिखें और पॉइंट वन को नीचे लिखें, जरा चेक करें क्या आंसर आता है। ये डेसिमल कैंसिल हो गए, डेसिमल के दाएं तरफ एक जितने डिजिट्स हैं डेसिमल कैंसिल हो गए, तो आपके पास 5/1 यानी 5 आंसर आ गया। इसका मतलब है छोटे नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने का हमेशा ही मतलब नहीं कि आंसर छोटा ही आएगा, आंसर बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। तो इसलिए ये जो डेल्टा टी इंटरवल को छोटा करने से, जीरो को अप्रोच करने से डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट इंटरवल यानी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर छोटा हुआ है, अब इनकी रेशो को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, किस पॉइंट तक खींच के लाए हैं पॉइंट बी को, पॉइंट ए तक। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v के साथ नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में inst लिख दे, इज इक्वल टू यहां एवरेज वेलोसिटी वाला ही सारा फॉर्मूला मैंने यूज किया है, डेल्टा d डिवाइडेड बाय डेल्टा t। लेकिन गौर करें पीछे साथ एक छोटी सी लिमिट लगी हुई है, लिमिट डेल्टा t इंटरवल टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। अब हम इसको डिफाइन करने की पोजीशन में भी आ गए, इसकी डेफिनेशन भी सामने आप देख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, या इसको इस तरह शुरू कर लेते हैं, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का क्या नाम था डेल्टा टी, फॉलोइंग द टाइम टी, फॉलोइंग द टाइम टी से क्या मुराद है, पॉइंट ए पे टाइम क्या था, टी था, तो इसके बाद का जो टाइम इंटरवल है उसकी बात हो रही है, फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर? तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ भी दी, समझा भी दी, और साथ ही इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से डायग्राम की तरफ देखें, जब मैं पॉइंट बी को पीछे घसीट रहा था
कर्व्ड पाथ के ऊपर इसको पीछे लेके आ रहा था, जरा गौर करें, जब पॉइंट बी पॉइंट ए के काफी करीब आ गया, इतना करीब कि ये तकरीबन ओवरलैप करना शुरू हो गए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इमेजिन करें इस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को, यहां मैं थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन से बड़ा करके दिखाता हूं, जरा गौर करें, क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ये इस कर्व्ड पाथ के ऊपर टेंजेंट के अलाउ नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। यानी इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, जो इस कर्व्ड पाथ पे टेंजेंट की डायरेक्शन है। हम कह सकते हैं कि इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है एट दिस पॉइंट ए ऑन द कर्व्ड पाथ, और यही इस वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है। सो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पाथ के ऊपर टेंजेंट के अलोंग होगी, जिस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट करने एक और कर्व्ड पाथ है, एक बस जा रही है, मैं इसको पॉइंट यहां एक मैंने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, पॉइंट पी पर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं, तो इसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ए से आगे का जो टाइम इंटरवल है उसको जीरो को अप्रोच करवा दें, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट पी से आगे का जो टाइम इंटरवल है उसको जीरो को अप्रोच करवा दें, और पॉइंट पी पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिस्कशन थी, थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि इसकी बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया। अब दो और छोटी छोटी डेफिनेशंस रह गई हैं, एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक है वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो टाइप्स हैं, द वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द सेकेंड वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म आपको इसके नाम से समझ आ रही है, ये ऐसी वेलोसिटी है जो चेंज ही नहीं होती, जिस पे कोई तब्दीली नहीं आ रही, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक बड़ा आसान तरीका है, मैं यहां पर काफी सारे पॉइंट्स इमेजिन कर लेता हूं, यानी फर्ज कर लें, बल्कि काफी सारे पॉइंट्स की बजाय हम दो ही पॉइंट्स इमेजिन करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधी हमने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक गाड़ी आ रही है, लेकिन जब हमने नोट किया तो हर सेकंड के बाद ये एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, फर्ज कर लें हर एक सेकंड के बाद ये दो दो मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, हर एक सेकंड के बाद ये एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब जरा गौर करें, मैंने टाइम के इंटरवल भी एक जैसे बनाए, यानी एक एक सेकंड के, फर्ज कर लें आप दो दो सेकंड के भी बना सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल भी एक जैसे बने, यानी हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी एक जैसे टाइम के इंटरवल्स में एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरी, इसको हम एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। इसकी एक लाइव एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं और मोटरवे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई भी झटका नहीं है, कोई जर्क नहीं है, आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की लाइव एग्जांपल है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक छोटी सी पहचान और भी है, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी मेजर की गई उसका आंसर एक जैसा था, फर्ज कर ले मैं यहां बॉक्स में आपको इमेजिन करवा देता हूं, फर्ज कर ले हमेशा आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड, तो चार रीडिंग्स हमने लिख ली और चारों रीडिंग्स का आंसर सेम है, तो बताएं इनका एवरेज क्या आएगा?
चार नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का हमें तरीका आता है कि जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड कर दें। अगर मैं इन दो 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 इन चारों को ऐड करूं तो आपके पास 8 आ जाएगा, और इनकी टोटल तादाद कितनी थी, 4 से डिवाइड करें तो आंसर 2 ही आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो चाहे कोई एक वैल्यू ले लें यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लें, चाहे पूरी मोशन की एवरेज वैल्यू ले लें, आंसर सेम ही आएगा। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक ये मैथमेटिकल कंडीशन है दैट एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम मूव करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की तरफ। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया, वेरिएबल वेलोसिटी को उसी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यानी अगर हम टाइम के एक जैसे इंटरवल्स लें लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक जितना कवर ना हो, तो सिंपल सी बात है, हम समझ जाएंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा तो फिर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? चेंज होती हुई वेलोसिटी से, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से। तो वेरिएबल वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी में जारी बात है, वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस का आंसर क्या सेम आएगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सेम नहीं आएगा। सो एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये थी वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी को थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करना हो तो जरा मुझे ये बताएं, वेलोसिटी में तब्दीली कैसे कैसे आ सकती है? तीन तरीके हो सकते हैं। यानी आप मोटरवे पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, और गाड़ी सीधी लाइन में जा रही है। आप गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा कर दें, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अगर आप गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा कर दें, समझे मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह आप गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो चाहे आप मैग्नीट्यूड को चेंज करें चाहे डायरेक्शन को चेंज करें, वेलोसिटी तो चेंज हो गई। और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। इसी तरह आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ इकट्ठा ही एक ही वक्त में स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से वेलोसिटी चेंज की जा सकती है, मैग्नीट्यूड को चेंज करके या डायरेक्शन को चेंज करके। लेकिन ये बात याद रखें कि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो बॉडी में एक और क्वांटिटी पैदा हो जाती है और उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन ही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अब इस एक्सेलरेशन को मेजर करना हो तो टाइम को साथ शामिल करना पड़ेगा, जिसके लिए फिर हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये तो आपके सामने डेफिनेशन आ गई, साथ एक्सेलरेशन का एक वर्ड्स में मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, दैट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम एक्सेलरेशन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। उससे पहले मैं एक्सेलरेशन के भी यूनिट्स और डायमेंशंस वगैरह बता देता हूं। जरा गौर करें, ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। नीचे एक और सेकेंड मौजूद है, वो नीचे वाले सेकेंड को स्क्वायर कर देगा तो आपके पास फाइनल यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं इसी तरह अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो लेंथ की डायमेंशन ऊपर आ जाएगी मीटर की जगह कैपिटल एल, और नीचे टाइम की डायमेंशन आ गई कैपिटल टी। सो एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, या एल टी की पावर माइनस टू, ये आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। अब जैसे मैंने वेलोसिटी को इससे पहले डिफाइन किया था एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ सामने एवरेज एक्सेलरेशन। इसके लिए छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट कर लें,
एक बॉडी जो मूव कर रहा था उसकी पहले जो वेलोसिटी थी उसके लिए हमने एक वेक्टर फर्ज कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी, उसका नाम रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फर्ज करने वी वन है और उसकी ये डायरेक्शन है जो आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई भी हम देख सकते हैं। और जो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है वो जारी बात है कोई और होगा। फर्ज कर लें हमने वेलोसिटी में तब्दीली किस तरह की है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी चेंज किया यानी वेक्टर की लंबाई भी चेंज होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज किया यानी वेक्टर की डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन भी चेंज होगी। तो इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है जिसको मैं वी टू से जाहिर कर रहा हूँ, ये भी आपको सामने नजर आ रहा है। और करना हमने ये है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर्स की टेल को मिला देना है, और फिर इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड से फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड तक एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करना है। और उस वेक्टर का हेड किस तरफ आएगा, फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड की तरफ। ये जो वेक्टर है ना जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है इसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब इसे मैं डेल्टा वी क्यों कह रहा हूं, डेल्टा वी है क्या, डेल्टा वी बेसिकली चेंज है, और चेंज कैसे आता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके। तो ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमने ये डायग्राम ठीक बनाई है, क्या डेल्टा वी का आंसर फाइनल माइनस इनिशियल ही आ रहा है। तो जरा चेक कर लेते हैं, जरा गौर करें, यहां पर वी वन का हेड डेल्टा वी की टेन से मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड हो रहे हैं। रिजल्टेंट कौन सा है यहां पे, यहां पे रिजल्टेंट वी टू है। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, जैसे मैंने इसी चैप्टर के लेक्चर वन में ही एक इक्वेशन बनाई थी इसी तरह की मेथड से। यहां पर आपके पास आ जाएगा वी वन प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू, और वी वन को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास डेल्टा वी आ जाएगा वी टू माइनस वी वन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। So, हम कह सकते हैं कि हमने ये जो डेल्टा वी वेक्टर फाइंड करने के लिए डायग्राम बनाई थी ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, एरो हेड्स इधर इधर ही आएंगे। अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूं जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को किया था, बस फर्क क्या है, वहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात कर रहे थे, यहां वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, ए एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर डेल्टा वी वेक्टर आ गया और नीचे टोटल टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से जाहिर कर लें, नीचे डेल्टा टी आ गया, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। और अगर हम चाहें तो हम डेल्टा वी की जगह इस डायग्राम के मुताबिक जैसे मैंने सामने आपको बनवाई वी टू माइनस वी वन भी लिख सकते हैं, और नीचे डेल्टा टी की जगह टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं, या डेल्टा टी ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अगर इसी एवरेज एक्सेलरेशन के पीछे टाइम लिमिट लगा दे, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, तो बड़ी आसानी से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेंगे। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन लिख दी और नीचे इसका फॉर्मूला आ गया, जिसमें सेम एवरेज एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला है, बस उसके साथ पीछे हमने एक लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। अब चूंकि डेल्टा वी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे आप एवरेज एक्सेलरेशन में देख लें चाहे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में देख लें। और याद रखें कि एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होती है, जैसे इस ट्रायंगुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं जो डेल्टा वी के हेड की डायरेक्शन है इसी तरफ इस वक्त एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये मैंने आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की कुछ मजीद टाइप्स की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात अपने जहन में बिठा लें कि एक्सेलरेशन की आगे जितनी भी टाइप्स की मैं बात करूंगा वो आप एक ही सूरत में समझ सकते हैं जब आप एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला समझ जाएं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब याद रखें जैसा डेल्टा वी होगा वैसा ही एक्सेलरेशन होगा, जैसी वेलोसिटी में तब्दीली होगी वैसा ही एक्सेलरेशन होगा।
सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? अगर मैं उसी फॉर्मूला की तरफ देखूं जिसको मैं हाईलाइट किए हुए, वो सामने आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा वी होगा वैसा ही एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिफाइन करना चाहता हूं तो डेल्टा वी का आंसर भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अब डेल्टा वी क्या है? चेंज है। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। और अगर फाइनल वैल्यू बड़ी हो और इनिशियल छोटी हो तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी पॉजिटिव आएगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होगा? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो। और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा कब होगी? जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। यानी आप गाड़ी में बैठे हैं और आप एक्सेलरेशन पे पाँव रखे हुए हैं और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उस वक्त कौन सा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? यही पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज बीइंग इंक्रीज्ड देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और याद रखें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है। यानी जिस तरफ आप गाड़ी चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है और वही पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब सेकंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे हमने पॉजिटिव को डिफाइन किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब चेंज इन वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव होगा। और चेंज इन वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब फाइनल वैल्यू छोटी होगी। और फाइनल वैल्यू छोटी कब होगी? जब वेलोसिटी में कमी आएगी। सो हम कह सकते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ कार या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिक्रीज्ड देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसकी लाइव एग्जांपल क्या है? आप गाड़ी में बैठे हैं, सामने कोई चीज आ गई है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो आपने एकदम ब्रेक लगाई, गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और वेलोसिटी डिक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और याद रखिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन का आपस में एंगल 180 होता है। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? बिल्कुल ये मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है फिर तो एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगा। इसलिए ये बात जहन में रखें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो टाइम के लिहाज से एक जैसी है। वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, लेकिन फर्ज कर ले आपने टाइम के एक जैसे इंटरवल्स बना दिए, इक्वल टाइम इंटरवल्स की आप बात कर रहे हैं, तो हर टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो बार बार एक जैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर एक सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना कितना फर्क पड़ रहा है? दो दो का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से एक जैसी है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपके इस पूरे चैप्टर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही हम बात करेंगे, हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देता हूं। जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कि अगर वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से एक जैसी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन अगर वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से एक जैसी ना हो तो फिर कौन सा एक्सेलरेशन? वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन का भी बता दिया, साथ ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के आगे एक छोटा सा हिंट लिख लें, एक छोटा सा पॉइंट लिख लें कि इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होंगे और वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये था आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक। थोड़ा सा इसको मैंने तेजी से करवाया है क्योंकि वेलोसिटी वाले टॉपिक में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में काफ़ी सारी एग्जांपल्स देके काफ़ी डीप समझा दिया था, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड से करवाया। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।